नमस्कार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई के प्रमुख इमरान खान ने 33 नेशनल असेंबली सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पीटीआई के वरिष्ठ नेता सहा महमूद कुरैशी ने इमरान के चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक व्यक्ति कितनी भी सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ सकता है और वहां इसे लेकर कोई नियम कायदा और कानून नहीं है। हालांकि चुनाव के बाद उसे केवल एक सीट बरकरार रखनी होती है और बाकी की सभी सीटों से इस्तीफा देना पड़ता है। नेशनल असेंबली की 33 सीटों पर उपचुनाव 16 मार्च को होगा। अब बात करते हैं अपने देश की यानी कि भारत की। आपको बता दें कि 1957 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश की 3 सीटों बलरामपुर, मथुरा और लखनऊ से चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव समेत कई बड़े नेता दो दो सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। 1980 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली के साथ ही मेडक सीट से भी चुनाव लड़ा था, दोनों पर जीत दर्ज की थी। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी, वडोदरा और मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी, आजमगढ़ सीट से इलेक्शन लड़ा था। दोनों नेता दोनों सीटों पर ही जीते थे। 2019 में राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़े थे, लेकिन राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे। टीडीपी के प्रमुख रहे एन टी रामा राव ने भी 1985 में और हरियाणा के पूर्व सीएम देवीलाल ने भी 1991 में 3 सीटों से चुनाव लड़ा था। देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। एनटीआर तीनों सीट से जीत गए थे तो देवीलाल तीनों सीटों से हार गए थे। और भी बहुत ऐसे नेता हैं जो दो दो सीटों से लड़े हैं। लालू यादव और लाल कृष्ण आडवाणी भी इस लिस्ट में शामिल है। अब मुद्दे पर आते हैं। हमारे देश में एक से अधिक सीट से चुनाव लड़ने का नियम कायदा कानून आखिर है क्या? 1996 के पहले धारा 33 के तहत कोई भी उम्मीदवार कितनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकता था, लेकिन इस पर आपत्ति जताई गई और इसके बाद 1996 में इस नियम में संशोधन किया गया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) के तहत अब अधिकतम 2 सीटों से ही चुनाव लड़ा जा सकता है। अगर कोई प्रत्याशी 2 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों से जीत जाए तो उसे 1 सीट छोड़नी पड़ती है। चुनाव परिणाम आने के 10 दिन के भीतर ऐसा करना होता है। साल 1999 में चुनावी सुधार पर विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में और उससे पहले 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट में किसी भी प्रत्याशी को एक ही सीट पर प्रतिबंधित करने की सिफारिशें शामिल थी। हालांकि अब तक यह नियम लागू नहीं हो पाया है।